गांव क्षेत्र में दबंगई और गुंडई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित शिकायत करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जिसके बाद जिलाधिकारी की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की गई, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। सबसे पहले हम उस वीडियो को दिखाते हैं जो कि रजिस्ट्री ऑफिस में दबंगई की दास्ता बयां कर रहा है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक व्यक्ति द्वारा गुंडई और दबंगई दिखाई जा रही है। व्यक्ति मुंह को अपने कपड़े से ढके हुए है और रजिस्ट्री ऑफिस में ही हाथापाई करता नजर आ रहा है। दरअसल थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम रुई निवासी राम प्रवेश तहसील भोगांव पहुंचे। यहां पर रजिस्ट्री ऑफिस में ही रजिस्ट्रार के सामने सारी कुछ जांच हो जाने के बाद जब कंप्यूटर के सामने बैठे हुए इनामा करने के लिए ऑनलाइन अंगूठा लगा रहे थे, तभी अचानक मुंह पर गमछा बांधकर अमित रामपाल अज्ञात लोगों के साथ अंदर घुस आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। जान से मारने की नीयत से उसे बाहर ले जाने लगा। उसके साथ मौजूद महिला ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पीड़ित की ओर से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया गया और वीडियो भी दिखाया गया। पीड़ित अपनी बूढ़ी मां को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीड़ित अपनी मां को गोद में लेकर आ रहा है और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा है। मां की तरफ से भी यहां शिकायती पत्र दिया गया है। शिकायती पत्र मिलने के बाद आखिरकार पीड़ित और जिला अधिकारी की ओर से क्या कुछ बताया गया, यह जरा आप भी सुनिए। जाकर के हमारे रामवीर सिंह के बेटे अमित कुमार और रामपाल सिंह ने जाकर के वहां पकड़ के हमें और हमारे रिलेटिव की बेटी मनोरमा को मतलब पूरी तरह से लात मूंछों से मारा। अच्छा, क्या ये माँ के साथ भी मारपीट कर चुके हैं? माँ तक के साथ पहले मारपीट कर चुके हैं। जमीन जो है उनके नाम कुछ है, वो कहते हमारे नाम जमीन करो। हाँ। माता जी इस विषय पे उन्हें एक बार 2 साल पहले सीढ़ियों से गिरा दिया, उनके फ्रैक्चर हुआ कंधे में और 4 पसलियाँ टूट गई, जिनका इलाज 2 साल से चल रहा है और अभी भी वो बेड पे हैं। उन्हें पकड़ के ही कहीं बाथरूम वगैरह ले जाना पड़ता है। अभी क्या इनसे कोई डर है कि क्या हो सकता? डर है हमें, ये है कि वो ये कहते हैं कहीं भी दिखाई पड़ोगे हमें, जिले भर में भी, गांव की तो बात ही अलग है, हम गोली से सीधा मार देंगे। और हम गांव नहीं जा रहे हैं, हम 6 महीने से बिल्कुल गांव नहीं जा पा रहे हैं। करते क्या हैं आप? ना माता जी जा पा रही हैं, हम अपना जो है दिल्ली जॉब करते थे प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद में हमने इलाज माता जी का जो है कराने के बाद में अब हम घर रहना चाहते हैं, वहाँ से हमारा काम जो है प्राइवेट सेक्टर तो क्या आपकी, आपकी भी जमीन पर पूरा कब्जा? हमारी जमीन पर पूरा कब्जा करे हैं। कितना बीघा जमीन है हमारे पास? जो है करीबन 40-45 बीघा की जमीन है। अच्छा, उस पर कब्जा करे। और हमारा जो घर बना हुआ है अलग, जो हमने अलग बनवाया है, एक पैतृक घर वो नहीं है, उस पर भी कब्जा किया हुआ है जो हमने अलग से बनवाया। आपके भाई है दबंग में? हमारे भाई रामपाल सिंह है, उनके पास एक राइफल और एक रिवॉल्वर है। वो सीधा भी 2 बार हम पर गोली छोड़ चुके हैं पहले के टाइम में, तो ये 1.5 साल पहले, और वो हमें घर नहीं करते घुसने। क्या क्या आ, क्या करते हैं वो? वो रामपाल सिंह जो है अध्यापक हैं जूनियर में, और दूसरे भाई जो रामवीर और उनके बेटे जो हैं वो गांव में हैं, वो कृषि ही करते हैं। अच्छा, क्या जमीन के लालच में? क्या क्या एक भाई की मौत? जमीन के लालच में ऐसा है कि हमारे चाचा जी के एक ही बेटा था, उस बेटे को जमीन के लालच में उन्होंने कहीं ले जा करके, रामपाल सिंह और उनके एक मित्र यशपाल सिंह, जिस टाइम वो RBS आगरा में पढ़ते थे और फिर उन्होंने मोदी नगर जा करके पढ़ाई की, उसी टाइम वहाँ उन्हें ले जा करके, राम निवास उनका नाम था चाचा जी के बेटे का, चाचा जी का नाम सोनेलाल पाल, तो ले जा करके उन्हें वहाँ मार दिया। ये पूरा क्षेत्र हमारा जानता है, आज भी अगर पूरे क्षेत्र में कहीं किसी से पूछा जाए तो वो सब कुछ बता देंगे कि राम निवास को, हमारे चाचा जी के बेटे को रामपाल सिंह ने और उनके मित्र ने ले जाकर के मारा। अच्छा, वीडियो में नकाब लगाकर मारपीट की जा रही है, क्या नीयत उनकी रही? वीडियो में नकाब लगा के ये था उनका मतलब कि हमारी वहाँ पहचान रजिस्ट्रार ऑफिस में न हो सके और हम इनकी मारपीट करके किसी तरह से इतनी बुरी तरह से इन्हें मारें जो हो सकता है कि इनको जो है कोई आत्महात हमला करके इनकी हमारे यहाँ पसलियों में सब जगह लात मुँह से चलाए कि हो सकता वो हमें मारने की नीयत से वहाँ पर पहुँच गए थे। इतनी उन्होंने हिम्मत है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हमें वहाँ मार देना चाह रहे थे। आप इनके साथ में थी? जी हम इनके साथ में। अच्छा, क्या कारण रहा था? कारण हमें उनकी जमीन ना बेच देने, वो चाहते थे कि जमीन ना बेचें, जबकि ये अपने कर्ज जो लिया हुआ है उसको उतारने के लिए गए थे जमीन बेचने। तो जैसे ही ये लगभग उनका सब कुछ होने वाला था, अंगूठा लगाने वाले थे, इतने में ही वहाँ पर आ गए और मारपीट करने लगे। हमने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे साथ भी वही किया, हमें मारने की कोशिश की, बाहर निकलो फिर हम बताते। अच्छा, अगर मारपीट की अगर जो बात की जाए तो क्या इरादा क्या लगता था उसका?
उनका इरादा तो हमें तो ये लगता है कि इनको जान से मारने का ही है, कि कहीं ऐसी चोट मारे अंदरूनी जो हम पे कुछ केस ना हो और ये भी जान से मारे। तो पुलिस बचा के लाई उन्हें वहाँ पे? वहाँ पे पुलिस आ गई थी, पुलिस के साथ हम लोग थाने गए, थाने से पुलिस ही हमें छोड़ के गए। क्या नाम आपका? मेरा मनोरमा है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है सर, पूरा मामला क्या है? अभी एक राम प्रवेश पाल नाम के भी एक फरियादी आए थे, उन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया है और ये बताया भी है कि उनके सगे भाइयों के साथ उनकी कुछ मारपीट हुई है। तो मैं भी अपने अधिकारियों से इस विषय में रिपोर्ट तलब कर रहा हूँ, इसमें जाँच बैठा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ घटना हुआ है तो जो दोषी होगा उसके विरुद्ध नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।